प्रातः सूर्योदय की बेला में अर्घ देने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी अंतरात्मा में दिव्य ज्योति का संचार होने लगता है। चार भुजाधारी जगत के नेत्र स्वरूपा त्रिगुण स्वरूपा दिनकर भगवान सूर्यदेव सब जीवों के प्राण सर्वशक्तिमान है। वहीं एक देव है जिनके दर्शन हम साक्षात करते हैं। उनकी ऊर्जा से समस्त जगत प्राणवान है। नमस्ते। मॉरिशस का सबसे बड़ा जिला फ्लैक देश के पूर्वी प्रांत में पाया जाता है। इसी जिले में एक छोटा सा गांव है पिसदी फ्लैक गांव और तटीय इलाके में एक उसी प्रकार एक छोटा सा द्वीप है इलो गुयावी जिसमें निर्मित है शिव सागर मंदिर। देखा जाए तो यह मंदिर सागर के बीचों बीच में स्थित है। इस प्राकृतिक स्थल में पूजा आराधना करने से आत्मा आनंदित हो जाती है। चलिए आज की हमारी यात्रा इसी मंदिर से प्रारंभ करते हैं। सावर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न ॐ सूर्याय नमः। बोआदेमेयर नदी और पिसदी फ्लैक सागर का यहाँ पर संगम होता है और कहा जाता है कि ऐसे स्थल पर जब पूजा करते हैं तो भक्त को पुण्य प्राप्त होता है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मरने के बाद जब अस्थियाँ ऐसी जगह पर विसर्जित की जाती हैं तो आत्मा को तृप्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है। महामुक्तमा गणनात् प्रथमं वन्दे नन्दीश्वराय नमः नन्दीमुखायै नमो नमः मालिया दीनी सुगंधिनी तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय विघ्नेश्वराय वराय सुरप्रियाय लम्बोदराय शंकराय जगदधीशाय मुखं करोति वाचालं पंगुलं यति गृहीं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। सागर शिव मंदिर पिसदी फ्लैक के प्रांगण में यह मंदिर पांच तत्व से है। पांच तत्व में जल प्रमुख तत्व कहा जाता है। जब भी हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं अगर उस समय में वर्षा हो जाती है या जल में पूजा पाठ करते हैं तो उत्तम लोक प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने के समाधान जल से ही है। यह मंदिर जल सागर शिव मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर समुद्र के साथ नदी भी है और पांच तत्व में यही सबसे प्रमुख तत्व है जहाँ पर इसके विशिष्टता इसके गुण परिपूर्ण रूप से है। मंदिर में अन्य मंदिरों से भिन्न है क्योंकि यहाँ पर नाग का स्थापित है, जल स्थल है,
यहाँ पर पीपल के साथ साथ में 27 प्रकार के जो मिट्टी है वो पीपल के वृक्ष के नीचे 27 प्रकार की मिट्टी डाला गया है, और साथ साथ में यहाँ पर केला का वृक्ष भी है। जब भी हम सब लोग पूजा करते हैं तो इस स्थान पर हम सब लोग प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं, पद यात्रा जिसे कहा जाता है। इसलिए ये मंदिरों में उत्तम मंदिर कहा जाता है, और जहाँ पर भी कोई भी आ करके यहाँ पर पूजा पाठ करता है या अपना मस्तक टीकता है तो उसका मनोइच्छित फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अगर एक मनुष्य व्रत नहीं करता है और एक ही दिन वो सिर्फ माथा टेकने के लिए आता है और इस मंदिर के प्रांगण में आ करके पद यात्रा करता है और चारों तरफ अपना माथा टेकता है तो उसका मन का अभिलाषा परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यह मंदिर का नाम ही है सागर शिव मंदिर, समुद्र में ही है। इसलिए समुद्र में पूजा करना, जल में पूजा करना, पांच तत्व में सबसे उत्तम तत्व का परिमूर्ति होता है। और पांच तत्व में हम सब लोग ग्रह पद्धति से आज चल रहे हैं, और ग्रह पद्धति के साथ साथ में पीपल, नाग और केला के साथ साथ में मछली भी यहाँ पर है जिसको हम खाना डाल सकते हैं। और यहाँ पर कौवा का भी वास है जहाँ पर हम लोग कौवा का भी पूजन करते हैं, अर्थात उसको खाने देने से हमारा ग्रह पद्धति शांत होता है। यही इसका विशेष महत्व है। जब भी यहाँ पर मनुष्य आकर के पूजा करेगा तो उसका मनोइच्छित फल प्राप्त हो जाता है। बाथक जिन्हें शसन जिसके पापा और उनका दोस्त आरलन हाई लील जिनके नाम हुआ लील गोया जैसे आरन हजाब घूमे आर जा तो हजाब सुतर के हाई नगो छी मंदिर बना दियन से भाई चौकड़ा बना दियन तो हजे पहला हजाब बनैल हो जा महावीर स्वामी के तो महावीर स्वामी के बाद में बनैल जा डेजम हो जा गंगा जमुना सरस्वती मंदिर। तब जब गंगा जमुना सरस्वती के मंदिर बनल तो पापा भागवत करे लगलन शिव पुराण दुर्गा पूजा सब 9 दिन 10 दिन पूजा होता हल। तबे से सगरों में वित्तीय करता लाफी सुदालत लन जा सब सगरों सब मोगिस में तबे से आदमी जाने लगलन जा कि जय जा गो मंदिर बा सब कोई ढेर को आवेदन जा पूजा करे। तब गते गते सब शिव मंदिर हो लगल ढेर जना आल बा पूजा कर लेवन सजा मंदिर पर तो लोग के मनोकामना पूरा हल बा तो हमें घर आके कुछ दून आश्रमों दे जाऊँ सब मंदिर के बना दिया चाहिए। और वो पापा माटी बेच ले हवन एन और 500 सन के बोनाके में तो बेच के पैसा एकर में दे लेवन मामा के गहना दे जा लापे नहीं रह पे ही करके जुबुए लोग के तो गहना औगा डाल के पे ये कर लो लोग के। और आदमी थोड़ा दान कर ले बा को एक काम रोज दे दे बतलन सा को दो तीन पोके सीमा दे दे बतलन सा को थोड़ा सोना पैसा के छोड़ बतलन जा ऐसे ऐसे गते गते बनल बा सागर शिव मंदिर में। खाली जिस मॉरिशस के नहीं औचे मोन के आवेलन जा अपनी पूजा करे इसका कबो रहला रात के पूजा तो सीधा अफ्रीकन लोग आवेलन सा अफ्रीकन लोग सीधा अफ्रीकन लोग जय लोग आवेलन सा पूजा करे है अपनी हमी के संगे संगे रात भर रह
हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि नाग देवता की पूजा करने से जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है, मंगल दोष, काल सर्प दोष या फिर शनि राहु केतु का दोष है, उन सब का निवारण हो जाता है। लाने का तो वैसे शादी करके आल हैं जा, जब से आने जा ससुर जी मंदिर बनैलन, जब से मंदिर बनैलन हमने हमेशा आयला जा पूजा करे, हर एगो पूजा में भाग ले ला जा, हम सब परिवार सहित आयला जा, हर एगो शिवरात्रि में नवमी में बहुत जोरी से पूजा वाला लड़का लोग के सुख शांति बरकत खातिर, लड़का लोग आगे बढ़िया जा, लड़का लोग आलिमन सीमा में जइन जा, जन जितना सीखला है हमारे सास ससुर से हम सिखावते अपन लड़का लोग के पतो लोग के काल हमार लड़का लोग अपन लड़का के सिखैन जा और परिवार के लिमन से ले जइन जा, सुख शांति बरकत खातिर पढ़ लिख के आगे बढ़िया जा। देश विदेश से भक्तगण भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु ललायित होते हैं। श्रद्धा वो कस्तूरी है जिसकी सुगंध से ही प्रभु तर जाते हैं। यहाँ कण कण में प्रभु विराजमान है, घट घट में उनका रूप समाया हुआ है। सागर शिव मंदिर में आकर ऐसा प्रतीत होता है मानो परमात्मा धरती पर उतर आई हो। भोलेनाथ के इस तीर्थ में पग पग पर उनकी छवि है। श्री गणेश कलयुग के महानतम देवता है। श्री गजानंद के शरीर ही नहीं, उनकी लीलाएं भी विराट है। वे कभी महाभारत की रचना करते हैं तो कभी असुरों से युद्ध। ओम गण गणपतये नमः। मर्यादा का महानतम रूप है। संसार में एक आदर्श रूप प्रदान करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया था, ताकि जनमानस को सुख शांति और मुक्ति की राह दिखा सके। भगवान ने मनुष्य की रचना बाद में उसकी मुक्ति का मार्ग पहले रच दिए। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है, पूर्ण परमेश्वर है और उनकी छवि में 16 कलाओं का तेज समाया हुआ है। कहते हैं संसार में परमात्मा का इससे सुंदर रूप कोई और नहीं। मंदिर में अनेक देवी देवताओं का वास है। मनसा देवी भगवान शिव के मानस कन्या तथा नागराज वासुकी की बहन के रूप में पूजी जाती है। कई धार्मिक ग्रंथों में मनसा देवी का जन्म महर्षि कश्यप के मस्तक से बताया गया है। आस्थाएं जब प्रकृति और परमेश्वर से ऊपर उठ जाती हैं, तो सीधे माँ के चरणों में पहुंच जाती है। मंदिर के प्रवेश द्वार में महादेव का वाहन व द्वारपाल नंदी सदैव स्थापित रहता है। उनकी आज्ञा के बिना भोलेनाथ के दर्शन संभव ही नहीं।
काशीनाथ मंदिर की ओर प्रकृति के सानिध्य में हमारी यह यात्रा बहुत ही सुखकारी प्रतीत हो रहा है। हरियाली के मध्य काशीनाथ मंदिर के इस पावन स्थल पर शांति की जो धारा बहती है उसका स्रोत है यहाँ की दिव्य शक्ति। इस मंदिर का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया था, बाद में इसका विस्तार किया गया। यहाँ प्रवेश करते ही ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव होने लगता है। आज भागदौड़ भरे इस संसार में जहाँ किसी के लिए किसी के पास समय नहीं है, वहाँ मनुष्य अपने मन का भाव भगवान के समक्ष ही प्रस्तुत करता है। प्रथम पूज्य गजानन गणपति ज्ञान विद्या सुख ऐश्वर्य के देवता है। संसार के सारे जीवों के भाग्य विधाता है। वे अपने भक्तों को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। सुनने के लिए भगवान हर पल हर घड़ी यहाँ विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि मात्र गांव निवासी ही नहीं, देश के हर कोने से लोग यहाँ भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने जरूर आ जाते हैं। आज सुबह से हमारे मेबर की टोली निकले और हम लोग सात मंदिर होते हुए आज यहाँ पर अंतिम जो काशीनाथ मंदिर तक आए हैं। यह मंदिर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें ये पता है कि हम छोटे से यहाँ आते थे। यहाँ पर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और इसकी शक्ति के बारे में बहुत सुना गया है, तो हम इसलिए यहाँ पर आते हैं कि हमें एक आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब मैं छोटा था तो यहाँ आता था। ये मंदिर काफ़ी छोटा था और बहुत छोटी सी जगह थी, रास्ता भी इतना पक्का हुआ नहीं था, फिर भी हम लोग पैदल चल कर आते थे। आज हमारा अवसर यह है कि हम गाड़ी द्वारा, बस द्वारा और पूरे टोली के साथ यहाँ आते हैं और आकर के इस अवसर पे हम ध्यान पूजा करते हैं सब लोग हिल मिल करके, और साथ में इस महत्व को मानते हैं कि यह मंदिर इतनी पुरानी है कि कहते हैं कि बहुत प्राचीन हमारे जो पूर्वज आए थे तब उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, और आज भी इस मंदिर का इसका जो चमत्कार है, इनका जो महत्व है, आज भी हमें देखने को प्राप्त होता है। आज के हमारे जो युवा पीढ़ी है उन्हें इस बात को सीख रखना चाहिए कि जो धर्म होता है एक अंग है हमारे शरीर का और एक अंग हमारे जीवन का। जो लोग इस बात को मानते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षत, कि अपने धर्म को रक्षा के लिए उन्हें चाहिए कि अपना धर्म को अपनाएं, और हम इसलिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि देखिए खाना पीना घूमना ये सब तो हमारा दैनिक जीवन है, लेकिन एक बार आत्मा की शांति मन की शांति को प्राप्त करने के लिए हम इस जगह पे आते हैं, और इन पूजा पाठ को करना एक बहुत ही अनिवार्य होता है हमारे जीवन में। पुस्तिफ्लाग गांव के श्रद्धालु इस पावन स्थल में ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव दशकों से करते आए हैं। हमारा यह सौभाग्य रहा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं व भक्तों द्वारा मंदिर के इतिहास के विषय में जानकारी मिली। मंदिर सगला 200 वर्ष सगला हुई, तब से आदमी पूजा करते थे। हम तक जाए ला तब तक जनता भी 75 वर्ष के हुई, कहाँ जाने हम 72 साल के हैं। मंदिर बहुत बहुत दिन के आई, हम बड़ा आदमी से पूछती कि मैं कहिया के मंदिर, बोले मंदिर नहीं रहा बाकी
एक टोल के रहा तब से बन आदमी पूजा करते बा अभिलेख करते बा। हाँ मूर्ति के बारे में मूर्ति तो हम जनबे नहीं से कब के मूर्ति हो के बने ले बा वो मौका पूर्वज लोग बने ले बूढ़ा लोग जवान देश से लोग बना के छोड़ लेने जा तक सेवा सत्कार हम नहीं करते जा छोड़वा नहीं ना मूर्ति है शिव शंकर भगवान के पार्वती माता के तो सब मूर्ति उर्ति नहीं रहा यहाँ ये खेले रहा यहाँ एगो गौ माता के मूर्ति रहा वो सब रहा तो बाद में मूर्ति सब किन किन के को दान दिला ऐसे सब मूर्ति बढ़ल आगे बहुत छोटा रहा बहुत छोटा मंदिर रहा यहाँ पर हनुमान के अरे सगरो लामो रहा यहाँ पर बहुत गहरा यहाँ पर सब अथी है कैसे कच्छू के पत्ता उत्ता ऐसे सब यहाँ पर देजो दिया रहा तो बाद में हम यहाँ पर ही सब ऑफिसार कर लीजा और यहाँ पर वो प्लास्ट छोड़ दिया जाए उस सुविधा लिया मैं दिया यहाँ पर जोतकर मैं नीचे देखा था यहाँ पर वो काट दिया बा तो यहाँ पर हरदम पानी भरल रहे अभी तक सूखा गल बा तो इस कारण से अभी वो बड़ा मंदिर यहाँ पर बना देने से उस सुविधा लिया वजह हनुमान जी के कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। श्रद्धा पूर्वक जो भी हनुमान का ध्यान करते हैं सभी संकट हनुमान जी हर लेते हैं। भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जब से हम जानी ला भोलेनाथ बाबा के कतार में थी पगड़ी है ये बा हम जब जवान रही तो हम गाय बकरी पोसी तो हम घास लेके जब आए तो अपन पाखी पटक के लड़का लोग के लेके हम आवी यहाँ पर तब भाई ऐसे नहीं रहा दू गो टोल के थी में माता पिता रलन जाऊ में तब लोग के नहुआव ओके लुगा पहराब के सफा करब अंगना उंगना लेके सब आई अथी माँ बहन लोग के सब बहारब से सफा करब से यहाँ पर छोटा छोटा मूर्ति के अथी रहा ऐसे नहीं रहा और है सीमा तो मान लो बैलगाड़ी के रहा हौ नदी जोन देखत हव तो उस सीमा में बहे पौ नहीं रहा हौ पुल जोन बा नहीं रहा नदी ऐसे बाढ़ पानी उतर जे घास के चल गईली जा होने से जब बाढ़ पानी उतरल तो नहीं सकब जा जाए कमर ले पानी और बोझा बा मुड़ी में लेके जाब से तो उस समय के बात बोलत है एगो पंडित हमरा देवत रलन रिक्शो घसे के और लोग के नहवा के पेन्हाई होड़ाई के तो जब हम लुगवा खोली बेटी तो हम लुगवा हमरा पंडित बोली ले जाइए तो हवे ले जा के गरीब रही तो धो के सुखा के ओके काट के लड़का लोग के पेन्हाव सुनल ना हमरा भगवान पाँच गो में तीन गो रहा तब हमार कमुए रहा है हम आवब तो दू तीन बजे घरे जाब यहाँ पर सब करके लेकिन जितना इनका हम कर ली तो वो हमरा देलन और हमार लड़का लोग जितना पर हवन सब इनकर देवल बा इनकर में बहुत शक्ति बा शर्मा ई कौन छी उनकर पर सच्चाई से चाहे बतिया के सच्चा मन से तू जोन मांग करब तोहरा देवी और हमके देलक यहाँ हर महीना के मासिक होला सब कोई आवी ला जा 300 कबो 400 जनता हर महीना के सब कोई अपन अपन खन्ना आने रंजा सब कोई के और हर पूजा राम जन्मी कृष्णा जन्माष्टमी सब भगवान के जन्माष्टमी होएला यहाँ धार्मिक ग्रंथों तथा पुराणों में वर्णित है कि राजा सगर के हजारों पुत्रों के उद्धार के लिए उन्हीं के वंश के भागीरथ ऋषि ने घोर तप साधना से गंगा को भूमंडल पर उतारा था इसलिए माँ गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। पुष्देफला काशीनाथ मंदिर की हमारी यात्रा यहीं पर संपन्न होती है लेकिन देश के अन्य मंदिरों में हमारी यात्रा जारी रहेगी। बस इसी प्रकार भगवान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। यकीन मानिए जिसने धूप दी है छांव भी वहीं देगा। नमस्ते।